आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। सहारनपुर से खबर है, सहारनपुर रामपुर मनिहारान विनोद गुप्ता चैरिटेबल फाउंडेशन के पूर्व चेयरमैन बीके गोस्वामी और रामराती एजुकेशन कॉम्प्लेक्स की प्रेसिडेंट श्रीमती राजकमल सक्सेना ने विदेशी मेहमानों के साथ वार्ता की और शिक्षण संस्थाओं की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। शुक्रवार को जापान से भारत यात्रा पर आए सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता डॉक्टर मिनाको कुनो एवं उनके पति टोयोटा मोटर्स के पूर्व जीएम मासुका व दिल्ली यूनिवर्सिटी के ईस्ट एक्शन विभाग के ट्रांसलेटर राजीव रंजन के साथ फाउंडेशन के पूर्व चेयरमैन बीके गोस्वामी व कॉम्प्लेक्स की प्रेसिडेंट श्रीमती राजकमल सक्सेना ने दिल्ली में वार्ता के दौरान एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में निर्माणाधीन बीके गोस्वामी प्रशासनिक भवन व नवनिर्मित डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साइंस ब्लॉक और संस्थान द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिस पर उन्होंने बताया कि संस्थान के छात्र छात्राओं देश व प्रदेशों में स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यरत होकर समाज की सेवा कर रहे हैं। अंत में बीके गोस्वामी और राजकमल सक्सेना ने विदेशी मेहमानों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हमारा सौभाग्य है कि विनोद गुप्ता ने ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी की प्रेरणा से ऐसे शिक्षण संस्थान की इस स्थापना की जिसमें देश विदेश से आने वाली हस्तियों से हमें मिलने का गौरव प्राप्त होता है। आज हम लोग दिल्ली में हैं हमारे विशेष मेहमान के साथ, और मैं चाहूंगी कि आप सब उनके बारे में जानें, क्योंकि आप हमारी संस्था के बारे में जानते हैं और हमारे जो संस्थापक हैं विनोद गुप्ता जी और उनके मार्गदर्शक श्री बीके गोस्वामी जी आज हमारे साथ हैं, और साथ में मेहमान आप देख रहे हैं जापान से आए हैं मैडम कुनो मिनाको कुनो, और सर भी आए हैं उनके साथ, उनके पति उनके साथ हैं। और आप हमारे यहाँ 2007 में रामपुर मनिहारन में पधारे थे, और बड़ा गर्व का विषय है कि आज हम इतने साल बाद मिल रहे हैं तो एक, और आप यहाँ पर आई हैं अपने पूरे डेलीगेशन के साथ जापान से, और तब भी आए थे और आज भी आए हैं, और काफी लोगों से हम ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो हमें बहुत अपार प्रसन्नता है कि ये रामपुर की कर्म भूमि को जो है एक वरदान सरस्वती माँ से मिला हुआ है कि इतने बड़े बड़े शख्स वहाँ आना चाहते हैं और आए हैं, और आज हम फिर से एक बार मुलाकात करेंगे और उन्हें न्योता देंगे कि वो पुनः रामपुर मनिहारन में आए और हमारी संस्था रामराती एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में पधार कर बिल क्लिंटन स्कूल और हिलरी क्लिंटन स्कूल को अपना आशीर्वाद दें। सो मैम मियाकुनो मैम, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, अरिगातो गोज़ाइमात्सु, नमस्ते। यस, हाउ डू यू फील मीटिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स, आपको कैसा लग रहा है इतने वर्षों के बाद हमसे मुलाकात करके? कौन है क्लास आप हमारी संस्था में इतने साल पहले आई थी, तो मैं कुछ उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। हमारी संस्था तब जो आपने प्ले स्कूल का उद्घाटन किया था, जब छोटे बच्चों का वो स्कूल था, आज वो 12वीं तक फुल फ्लेज सीबीएसई स्कूल हो गया है और उसमें लगभग 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं जिसमें से अधिकतर गर्ल चाइल्ड महिलाएं हैं, वो भी ग्रामीण क्षेत्र, वो सभी ग्रामीण क्षेत्र से।学校は保育園ほどだったんですけど、小さな子供だけだったんですけど、その学校はもう十分進行して、今は高校卒業ができるまでの学生たちが入っていますし、ほとんどの田舎の子供たちが女子学生がほとんどですから、そういう学校はだいぶ成長してきました。今は1500ぐらいの学生がいます。私は一度訪問しました。そして素晴らしい学校だと本当に感動しました。そしてたくさんの感銘を受けました。そしてあなたの本当にエネルギッシュなプリンシパルの姿は驚くほどでした。खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।